हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में किए गए तूफानी दौरों के चलते कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तत्पर रहने का संदेश देने का आह्वान किया गया। अपने तूफानी दौरे में मुख्यमंत्री द्वारा 15 से 16 जनसभाओं में व अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की गई। वहीं रविवार को करनाल के माल रोड पर जेबीडी कल्याण समिति द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं अपने कर कमलों से पौधारोपण किया गया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का भी संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बड़े आवश्यक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे इस बरसात के मौसम में पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। आटा घोटाला के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों के ट्रांसफर इसलिए किए हैं कि कार्यवाही में कोई बाधा ना और निष्पक्ष कार्यवाही की जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, समाज सेवी ब्रिज गुप्ता, जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से भारत भूषण कपूर, ओएसडी अमरेंद्र सिंह, डीसी विनय प्रताप सिंह, एसपी सुरेंद्र भोरिया, नगर निगम के कमिश्नर राजीव मेहता सहित बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी, कर्मचारी व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो निर्णय लिया है, मैं समझती हूँ वो बहुत अच्छा निर्णय है। आज इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग करते हुए आज यहाँ पूरा उसमें लगाया है। मुझे लगता है कि शहर की सबसे खूबसूरत रोड ये माल रोड होती थी और लोग इसको नाम से जानते थे और शिमला से इसका कंपेयर करते थे, और आज जब दोबारा इस पर अच्छे पौधे लग जाएंगे, इस पर अच्छे से ये ब्यूटीफाई हो जाएगी, फिर से इस माल रोड की खूबसूरती और निखर कर आएगी। इस समय जेबीडी की बात कर रहे थे, रेणुबाला गुप्ता जी उनको जाता है और नगर निगम की पूरी टीम को जाता है, नगर निगम के आयुक्त श्री राजीव मेहता जी और हम उपायुक्त नगर निगम के श्री धीरज कुमार जी उनको जाता है। उन्होंने हमारे आगे बात रखी है कि गुरु साहब हम चाहते हैं कि इसको इस तरह से ठंडी सड़क के रूप में विकसित किया जाए। इस समय में इसका नाम ठंडी सड़क ही था, अब लोग इसको माल रोड के नाम से पुकारने जा रहे हैं, तो हम इसको चाहते हैं कि इसको ठंडी सड़क के नाम से पुकारा जाए। अभी इसमें हम कुछ ऐसा करना चाहें, हम कहीं हम ठीक हैं, हमारी जेबीडी समाज के समिति समाज सेवा कार्य करती रहती है और हम इस काम में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और उन्होंने ये भी हमसे पूछा कि इसकी मेंटेनेंस, मैंने कहा इसकी मेंटेनेंस जब तक आप कहेंगे कि जेबीडी समाज कल्याण समिति इसकी मेंटेनेंस करेगी 10 साल 20 साल, हम इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे और इन पौधों को अच्छे ढंग से लगा करके यहाँ सड़क को ब्यूटीफाई भी किया जाएगा, हरित भी किया जाएगा, जैसे हरित क्रांति का नाम दिया जा रहा है, हरियाणा करनाल को ग्राम सिटी, ग्रीन सिटी का नाम दिया जा रहा है, तभी हम स्मार्ट सिटी के स्टेप में कदम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे अभी हम छोटे पौधे ब्यूटीफाई करने के लिए लगा रहे हैं, इसकी मेडिकल चौंक से लेकर के और रेस्ट हाउस तक, इसके बाद इसके राइट हैंड साइड पर बड़े पेड़ भी छायादार लगाए जाएंगे और इसमें भी जहाँ हमें जगह मिलेगी इसमें छायादार पेड़ भी लगाए जाएंगे। फिलहाल ये अवसर, ये महीने, तीनों महीने जो है एक प्रकार से वर्षा के समय में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए और इन पौधों की लगातार सुरक्षा करना भी सुनिश्चित किया जाए, ऐसा आह्वान हमने सभी नागरिकों को किया है। करनाल के नागरिक इसमें काफ़ी आगे बढ़ करके आ रहे हैं, कल भी 3 जगह पौधारोपण के कार्यक्रम मेरे हुए, आज भी यहाँ पर ही पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। विशेष तौर पर हरियाणा में हमने जो स्कूली विद्यार्थी हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक, उनको सबको आह्वान किया है कि अपने जीवन के साथ कम से कम एक पौधा लगा करके उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें और 3 साल तक लगातार उसकी सुरक्षा भी करें, और उस सुरक्षा करने के लिए हमने उनको एक प्रोत्साहन राशि हर 6 महीने में 50 रुपये ये भी तय किया है और जियो मैपिंग के माध्यम से वो फोटो लेके भेजते हैं, और इस प्रकार से एक अच्छा अभियान ये हरियाणा में चल रहा है। अगर पौधारोपण होता है तो आगे चल कर के वृक्ष बड़ा होने पर और इनके बहुत लाभ पर्यावरण की दृष्टि से हैं, वर्षा का वातावरण बनता है, पानी का एक प्रकार से अधिकता बहुलता होती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, तो वृक्षों की छाया, वृक्षों के फल, ये हर प्रकार का लाभ वृक्षारोपण के बाद होता है उसका निरंतर। सीएम साहब, तरावड़ी का बच्चा है क्रिकेटर नवदीप सैनी, उसने बहुत अच्छा मैच कल खेला है, मैन ऑफ द मैच आया, तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे कुछ? हाँ, निश्चित रूप से जो भी इस प्रकार का काम करके और इस जिले का नाम बढ़ाया, प्रदेश का नाम बढ़ाया, उनको
शुभकामना और मैं आशा करता हूँ उनके लिए शुभकामना कि वो आगे भी इसी प्रकार से बढ़े। सीएम साहब, पिछले दिनों आटा घोटाले पर आपने कहा था प्राथमिक जांच हो रही है, लेकिन अधिकारियों का नाम सामने आता है तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। 6 महीने पहले भी उन्हीं अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, आज फिर ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर तो पहले इसलिए किया जाता है कि जो जाँच है उसके अंदर कहीं को बाधा ना आए, जांच पूरी होने के बाद जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनको। सर, 6 महीने पुराने भी आरोप उन्हीं पे लगे। सर, जींद का एक डेलीगेट मिला रहा था आपको किसानों का, उसने क्या आश्वासन दिया? बेटी जी भी आई थी, उनकी बात सारी सुनी है, उनको यही आश्वासन दिया कि उनका जो धोदी माइनर का जो पानी उनकी मांग है उसको मान लिया गया है, और उनको जैसे ही बंदी आएगी नहर की, उस नहर की बंदी के समय वहाँ गेट्स बना करके और उनको पानी दिया जाएगा। सर, एक धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।